रेत के अवैध उत्खनन पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। कटंगी मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कल गांव के अंतर्गत चिन्नई नदी पर रेत का ट्रैक्टरों से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर उन ट्रैक्टरों को रोका है। इस अवैध उत्खनन की सूचना अनुभागीय अधिकारी राजस्व रोहित बामोरे, तहसीलदार शैलेंद्र राय, थाना प्रभारी कमल निगवाल एवं अन्य लोगों को भी दी गई है। मौके पर तहसीलदार महोदय एवं थाना प्रभारी महोदय पहुंचे हैं और जायजा लेते हुए पंचनामा तैयार किया है एवं ग्रामीणों को सोमवार सुबह सीमांकन कराने के लिए आश्वासन भी दिया है। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले में अवैध रेत का कारोबार खूब फल फूल रहा है। वहीं बालाघाट जिले में रेत घाट का ठेका भी हो चुका है, जिसमें कल गांव का भी ठेका हुआ है, लेकिन ठेकेदार बिना राजस्व रॉयल्टी के खुद के द्वारा एक रसीद छपवाकर उक्त रसीद से वसूली कर रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कटंगी से गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट। परिचय, मैं प्रेम किशोर बिसेन, कलगांव निवासी, और ये भूमि यहाँ पर कम से कम 26 लोगों का वो है भूमि है और जिससे अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे किसान यहाँ भी है, इधर बैठे हुए हैं सभी लोग जी, और इनकी बात का कई बार अनदेखी की गई है। कई बार बहुत सारी परेशानियाँ भी आई है, जैसे हम लोगों ने एक वो 100 डायल को फ़ोन किए, 100 डायल यहाँ से ट्रैक्टर लेके चले गया है ना, वो ट्रैक्टर वहीं से आधे रास्ते से गायब हो जाता था। उसके बाद में ताव से बात करते थे ट्रैक्टर वाले कि चलो हम तो हमारा तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ गांव वालों को धमकी दी गई है, क्यों सभी लोगों को दी गई है कि नहीं? हाँ, कईयों के साथ वो भी किया गया, बहुत सारी परेशानियाँ आई है और आगे चल के क्या है इससे बचाव हो, इसलिए आप सभी लोगों का, हम तो अभी साहब से भी बात हुई है, तहसीलदार साहब से, सरपंच साहब की बात हुई है, वो भी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में पहुंच तो 12 बजे का बोल रहे हैं। हाँ, 12 बजे बोल रहे हैं। अब तब तक के क्या करेगी यहाँ पब्लिक? आज किस प्रकार का आप लोगों ने आक्रोश दिखाते हुए गाड़ियों को रोका है? आज ये जितना भी अभी जो खुदाई है आपको दिखाया, आपके वीडियो बनाया आपने, तो पूरी खुदाई आज कल से की गई है और उसमें 50 से 60 ट्राली रेत निकाली गई है यहाँ से, है ना। आज किस किस की गाड़ियों को रोका है आप लोगों ने? आज अब उनके नाम मालूम नहीं है, पर वहाँ पर ट्रैक्टर खड़े हैं। गाड़ी नंबर तो है जी उनका जी? गाड़ी नंबर है, वो गाड़ी नंबर रखी हुई है जी, ये हो जाएगा। प्रशासन से किस तरह की कार्रवाई की मांग चाहते हैं आप? प्रशासन से बस वही है, सख्त कार्रवाई करें इन लोगों पे, और ये जो ठेके हुए हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को, ना सरपंच के पास जानकारी है, सरपंच ने ना कहीं कुछ कर, अब कोई एनओसी ली नहीं गई है अभी तक के, बस उसके बारे में हमको क्लियर कर दे कि भाई कैसा है क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी तो दे। जानकारी मिलेंगी तो भूमि स्वामी की जमीन से थोड़ी रेत नहीं, भूमि स्वामी की जमीन से रेत निकालने नहीं देंगे, और हम ऐसे भी रेत निकालने देंगे क्योंकि यदि रेत यहाँ की जाएगी तो भूमि स्वामी का नुकसान ही होना है, गाँव का कटाव होगा, जिसमें बाकल गाँव और कलगाँव गाँव वालों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ तक कि हमारा वाटर लेवल इतना कम हो चुका है कि अभी भी हमारे यहाँ जल का जो संसाधन है कुआ और हैंडपंप, उसमें पानी नहीं है, बहुत सारी परेशानियाँ चल रही है अभी भी। आपका परिचय? रामेश्वर पटले, ग्राम पंचायत कलगांव, सरपंच। सरपंच है आप जी। यहाँ आज चंदन नदी पर आपके द्वारा एक करते हुए अवैध उत्खनन करते हुए ट्रैक्टरों को रोका गया है जी, इसके बारे में क्या जानकारी है? इसके बारे में है सर, क्योंकि यहाँ जो हमारा शमशान घाट है जी, ये रोड है जो ये नदी का जो खनन हुआ है ये भूमि स्वामी में आ रही है। अच्छा, जो ट्रैक्टर भी जा रहे हैं वो भूमि स्वामी से जा रहे हैं जी, अगर वो ठेकेदार बोल रहा है कि इसका ठेका हुआ है नदी का, हाँ, तो वो पहले आ जाए यहाँ, अपना सीमांकन कराए कि उसकी कहाँ तक खदान है। हाँ हाँ, जो पर्ची भी बांट रहा है वो डुप्लीकेट बांट रहा है। अच्छा, और जो हमारा शमशान घाट है, शमशान घाट जो कटा हुआ है, मैंने उसका काम का स्वीकृत भी कराया, TS भी मिल गया, मटेरियल भी गिरा दिया हूँ, ऊपर से जनपद यानी के अधिकारियों ने वो काम को रोक दिया, वो तो अब शमशान घाट भी आसो बचने वाला नहीं है। तो आपने रेत अवैध उत्खनन की जानकारी दी प्रशासन को? हाँ, दे दी। कौन आया अभी जांच के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया, मैंने तहसीलदार साहब से भी बात किया तो बोले 11-12 बजे आएंगे, बोले TI साहब के साथ बोले, मैंने बोला 12 बजे तक यहाँ पब्लिक थोड़ी कच रहेगी कि बाद में हम किस किस को जमा करेंगे। कितना रेत खनन होता है यहाँ से? यहाँ से तो कम से कम रोड की 100 ट्राली से कम नहीं जा रही है रेत। 100 ट्राली से? पंचायत को क्या है? पंचायत को कोई आई नहीं है उसमें, और न पंचायत ने कोई लिखित करके दिया, न कोई पंचायत ने लिखित भी नहीं दी है कि यहाँ से रेत ले जाओ। परिचय? मैं शिवचरण बिसेन, कलगांव का निवासी हूँ। अच्छा, कृषक हूँ जी, और ये जो अवैध खनन हो रहा है जी, ये जमीन मेरी भूमि स्वामी है। अच्छा, और इसमें सब पंचायत से भी कोई वो नहीं हो रहा है, और ये जो खनन हो रहा है इस जगह से 8 माइल किसानों की रास्ता भी है। अच्छा, तो ये जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसके बारे में आपने किसी को जानकारी दी आपकी जमीन से अवैध उत्खनन किया जा रहा है? दिए ना सर। किसको दिए? तहसीलदार को दिए। कब करे आपने इसकी कंप्लेंट? 1 साल पहले से चल रहा है ये तो सर। तो TI साहब या वो ये 101 क्या कहते हैं उसको, पुलिस वालों को बुला के ट्रैक्टर खड़े करवाए, तो वो तो सब कुछ अनदेखी कर ले रहे हैं।
अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई? नहीं 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 नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होती तो काय को अभी। आज किस किस के ट्रैक्टर पकड़े आप लोगों ने? तो दो तीन लोग है। नाम मालूम है उनके? नहीं नाम मालूम नहीं है। तो क्या वो प्रतिदिन खनन करते हैं यहाँ से, ये आज ही करने आए थे? ये तो तीन ट्रैक्टर तो आज ही आए थे। अच्छा, और जो ठेकेदार का आदमी है वो फोन कर कर के बुला रहा है उनको, और डुप्लीकेट वो दे रहा है। उसका नाम क्या है ठेकेदार के आदमी का? रामकिशोर। रामकिशोर कहाँ रहता है? कलगांव का ही निवासी है। तो वो अभी है मौके पर यहाँ? नहीं है भैया, वो तो घर से गायब हो गया। जब गांव की जनता ने रोक की तो पर्ची है क्या किसी के पास? हाँ है। ये पर्ची है, ये डुप्लीकेट पर्ची है, ये पर्ची है, अलग अलग कर दो। वाली का हाँ ऐसी है। और एक सर, आज रेत का अवैध उत्खनन के लिए चार गाड़ी गांव वालों ने, महाकल के गांव वालों ने रोक लिया था, उसमें क्या कार्रवाई की आपने? सूचना मिली थी कि जो स्वीकृत खदान है ग्राम कलगांव में, वहां पर ठेकेदार द्वारा रेत निकाली जा रही थी, लेकिन ग्रामवासियों द्वारा रोक दिया गया। सूचना मिलने पर टीआई साहब और हम लोग जो है वहां पर गए थे। ग्राम वालों की आपत्ति है कि हमको कोई सूचना नहीं मिली कि आज स्वीकृत खदान स्वीकृत कर दी गई है, और ये ठेकेदार जो है उनकी निजी जमीन में से भी निकाल रहा है। इसके लिए तय किया गया परसों की तारीख दी गई है सीमांकन करने के लिए। माइनिंग इंस्पेक्टर और हमारे पटवारी आरआई की उपस्थिति में सीमांकन किया जाएगा, जिससे कि उसका रकबा मालूम जाए कहां से कहां तक उसका जो है सीमा है, जिसमें वो अपना रेत का कार्य करेंगे। सर, जो ये घाट स्वीकृत हुए हैं, क्या इनको डंप भी करना है कि डायरेक्ट नदी से? डंप की परमिशन नहीं है, उनको निकाल के वहां से अपना राइटी काटी भेजना। सर, जैसे जानकारी आ रही है कि इनको टोकन सिस्टम से रेत भरा है, इसको ये ठेकेदार को परसों बुला के इसके संबंध में चर्चा करके इसको निर्णय लिया जाए। अभी जो पर्ची दी है सर, उसमें टोकन लिखा है डंप टोकन, तो क्या एक्चुअल में रॉयल्टी का रूप है क्यों? इसको जांच का विषय है, परसों हम लोग उसको जांच करके इसको क्लियर कर देंगे।